हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं, जैसे कि वो फोर टक्स रहता है उसकी कटिंग कैसे करते हैं, ये देखने वाले हैं। पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई नापेंगे। बैक साइड से ब्लाउज़ की लंबाई लेते हैं, इस तरह से ब्लाउज़ की पहले हम लंबाई नापते हैं 13 इंच। ब्लाउज का हम 1/4 लेते हैं, 8 इंच, तो ये 32 इंचेस का ब्लाउज हुआ। तो ये हमने 1/4 लिया उसका, 8 इंच। अब ब्लाउज पर हम इसकी कटिंग देखते हैं। इस तरह से हमने ब्लाउज पीस को रखा है, ये एक साइड से यहाँ हमने फोल्ड किया है। तो ब्लाउज के 1/4 लिया हमने, 8 इंच, और उसमें हम 1.5 इंच मिलाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो 9.5 इंच। ब्लाउज की लंबाई है हमारी 13 इंच, तो लंबाई नापते हैं, तो हम इसमें 1 इंच मिलाते हैं, 14 इंच सिलाई के लिए 1 इंच जाएगा, और चेस्ट में 8 इंच 1/4 लिया है हमने, और उसमें 1.5 इंच मिलाए हैं सिलाई के लिए। पहले हम ब्लाउज़ का बैक साइड निकालेंगे। अब बैक साइड का गला नापते हैं। बैक साइड का गला है शोल्डर से यहाँ तक, हम सीधा इस तरह से नापेंगे, तो बैक साइड का गला है 9 इंच। यहाँ शोल्डर गले का नाप हम चौड़ाई में 2.5 इंच लेंगे, गला है 9 इंच, तो हम 9.5 इंच लेते हैं, सिलाई में 0.5 इंच आता है, यहाँ भी 2.5 इंच लेंगे। इस तरह से आधा इंच से हम गले का बाहर की साइड से शेप देते हैं। आपको गोल गला बनाना हो तो बाहर की साइड से 0.5 इंच लेके इसको इस तरह से शेप देना पड़ता है। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच पे। आर्म होल लेंगे हम 6 इंच, यहाँ से भी 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। बैक साइड का आर्म होल की गोलाई आएगी। पहले हम कमर नापते हैं। जैसे कि ये एक्स्ट्रा पट्टी रहती है, ये छोड़ के हम कमर का नाप लेते हैं। ट्वेंटी 27 इंच हमारा कमर आया है, तो हम 30 इंच के अंदर, कमर जो 30 इंच के अंदर रहता है, तो हम पहली बैक साइड की गोलाई हम 1.5 इंच पे देते हैं। इस तरह से आर्म होल का भी हम शेप देंगे। कमर है हमारी 27 इंच, तो हम उसका 1/4 लेते हैं, तो हम 27 में हम 1 इंच मिलाते हैं
प्लस करते हैं, क्योंकि बैक साइड में जो छोटे टक्स रहते हैं वो आधा आधा इंच के रहते हैं, इसलिए हम 1 इंच उसमें ज़्यादा मिलाते हैं। तो 28 का हम 1/4 निकालेंगे, 7 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह से हमारी ये बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। गले का जो आपको पैटर्न बना, गोल गला हो तो हम कटिंग कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न बनाना हो तो हम गले के कटिंग नहीं करेंगे, सीधा कटिंग करते हैं। इस तरह से गले का निशान लगाते हैं। ये बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करते हैं। फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए हमने ये एक बार फोल्ड किया है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। हमने जो बैक साइड निकाली है वो फ्रंट साइड पर रखते हैं। बैक साइड जो थी हमने ये फ्रंट साइड पे रखा है। अब फ्रंट साइड का गला नापते हैं। फ्रंट साइड का गला कैसे नापते हैं, देखो इस तरह से फ्रंट साइड का गला नापेंगे। सीधी तरफ से और इधर से भी इस तरफ से, तो 6 इंच हमारा फ्रंट नेक आता है। तो उसमें हम 1/2 इंच मिलाएंगे, 6.5 इंच लेते हैं। हमने जो बैक साइड इसके ऊपर रखी है तो हमने 1/2 इंच इस साइड से हमने 1/2 इंच छोड़ के बैक साइड रखा है। पहले हम जैसा है वैसा ही निकालते हैं इस तरफ से। इस तरह से बैक साइड रख के हमने फ्रंट साइड निकाली है। यहाँ से 2.5 इंच लेंगे, यहाँ से हमारा 5.5 इंच शोल्डर, यहाँ से हमारा 6 इंच। अभी फ्रंट नेक के गोलाई का शेप देके फ्रंट आर्महोल की गोलाई का शेप देते हैं। ये आर्महोल का शेप हम आगे का शेप हम 1 इंच पर देंगे। इस तरह से चेंज गला है तो हम 6.5 इंच लेते हैं। 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरह से गोल आकार हम गले को गोल आकार देंगे। जैसे कि 1/2 इंच हमने इस साइड से बढ़ाया है तो हम गले से 1/2 इंच, जैसे इस तरह से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। गले के साइड से 1/2 इंच लिया और
अरमोल की साइड से हम 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये 1.5 इंच क्योंकि यहाँ पे 2 इंच का 3 इंच का हमारा टक्स आएगा। इस साइड से अरमोल की साइड से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये टक्स के लिए वो आ जाएगा। यहाँ से भी गले के साइड से भी हमने 0.5 इंच बढ़ाया है। अब इसकी कटिंग करते हैं। आर्मोल की कटिंग हम फ्रंट साइड वाले की करेंगे। ये बैक साइड की आर्मोल की शेप है। इस तरह से फ्रंट की कटिंग आएगी। यहाँ से हमने 0.5 इंच बढ़ाया है और यहाँ से हमने सिलाई मार्जिन छोड़ के, सिलाई मार्जिन हमने 1.5 इंच लिया है, चेस्ट का हमने 1/4 लिया है, 1/4 के बाद हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया है और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा टक्स के लिए लिया है। तो ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हम बाजू निकालते हैं, स्लीव्स नापते हैं। शोल्डर से सीधा हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे 5 इंच और चौड़ाई में 5.5 इंच। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। आर्महोल लिया है हमने, ये जो गले का आर्महोल रहता है वो 6 इंच लिया है, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे 8 इंच। डेढ़ इंच फोल्ड करने के लिए और 5 इंच ब्लाउज की बाजू की लंबाई। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे यहाँ से 1 इंच सीधा, इस साइड से भी 1 इंच लेते हैं। अब इसको शेप देंगे। साढ़े 5 इंच हमारा मोर ये है, उसमें 1.5 इंच मिलाते हैं सिलाई मार्जिन के लिए, 1.5 इंच प्लस करेंगे। इस तरह से बाजू की कटिंग करते हैं। इस तरह से हमने बाजू की कटिंग की है। अब क्रॉस पट्टी निकालेंगे। क्रॉस पट्टी के लिए इस तरह से हम फोल्ड करते हैं, इस साइड से हम 3 इंच लेते हैं, 9.5 इंच हमारा चेस्ट का 1/4 लिया है हमने, 9.5 इंच इस साइड से 3 इंच और इस साइड से 2.5 इंच।
इस तरह से हमारी क्रॉस पट्टी की कटिंग हो चुकी है। ये बैक साइड का गला हमने कटिंग नहीं किया क्योंकि पैटर्न बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये गला कटिंग नहीं किया। ये फ्रंट साइड, बाजू और क्रॉस पट्टी। अंदर के साइड से फ्रंट साइड हम अंदर के ये कट करेंगे, गले के साइड से हम कट करते हैं इस तरह से। अब इसको हम टक्स का मार्क करेंगे। टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, जैसे ये शोल्डर है, शोल्डर का हम सेंटर निकालेंगे। शोल्डर के सामने, सेंटर के सामने नीचे एक निशान लगाते हैं, 4.5 इंच पर एक निशान लगाते हैं। जो एक्स्ट्रा 1.5 इंच हमने लिया था तो इस तरह से वो टक्स आएंगे। यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच छोड़ के थोड़ा नीचे की साइड हम ये टक्स देंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच छोड़ के आर्मोल की साइड से हम ये टक्स देते हैं और बिल्कुल इसके सामने यहाँ से हम 1.5 इंच छोड़ के इस तरह से ये हमारे 4 टक्स हो गए। बिल्कुल इसी तरह से हम इसके ऊपर निकालते हैं। इस तरह से हमारी 4 टक्स की ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है।